बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, स्वास्थ्य विभाग भी बेबस नजर आ रही थी। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार की स्थिति थी, लेकिन समय बीतने के बाद सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। आप देख रहे होंगे कि अब ना तो ऑक्सीजन के लिए कहीं से कोई अलार्मिंग सूचना आती है, ना रेमडेसिविर को लेके मारामारी। और रेमडेसिविर तो अब और उपलब्ध हो गया है। आज फिर हम लोग बाजार में नए तरीके से और रेमडेसिविर भेज रहे हैं, जो भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। उसमें से सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में जो वितरण की व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था से वितरण किया जा रहा है। और अब रेमडेसिविर को लेकर कहीं किसी को कोई कठिनाई और परेशानी नहीं है। और साथ ही बहुत सख्त हिदायत है मुख्यमंत्री जी का, विभाग का, हम लोगों का, कि कहीं भी बाजार में कोई कालाबाजारी या इस संबंध में कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिले, और यदि कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिए हैं। फिलहाल अस्पतालों को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दिए जा रहे हैं। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।